हम आज करने जा रहे हैं इफ फॉर्मूले, ठीक है। इफ का फॉर्मूला हमारे हमारे टॉपिक में स्टार्ट हो रहा है। तो इफ के फॉर्मूले में हम आज ये जानना चाह रहे हैं कि इफ किस तरीके से वर्क करता था। कल हमने कल की क्लास में हमने इफ के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। हाँ, तो कुछ एग्जांपल्स के बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मैं लास्ट क्लासेस में हमने एग्जांपल देखे थे कुछ, तो इसके लिए हम एक एक बार अपने कुछ फाइल्स ओपन करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करेंगे अपने मदद से। कंडीशन ये है हमारे पास कि हमारे पास नेम है, क्वांटिटी है, इसे कमीशन मुझे देना है, ठीक है। कमीशन देना है तो कमीशन का कंडीशन यहाँ पे ऊपर दिया हुआ है कि इफ क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 तो हमें क्या देना है, क्वांटिटी पर कप पर क्वांटिटी 40 रुपीज। मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई डीवीडी सेल करना है आपको, तो कंडीशन यही है कि आपको हम 40 रुपये पर डीवीडी देंगे, बट कंडीशन यह है कि आपका डीवीडी 60 से ज्यादा बेचना होगा। 60 से कम बेचोगे तो 1 रुपया नहीं लेंगे, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ दिस इज ग्रेटर देन 60 या ग्रेटर देन इक्वल टू 60, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट मल्टीप्लाई बाय 40। अब हम जानते हैं कि इस कंडीशन में दो इनपुट होते हैं हमारे, दो इनपुट होते हैं ना, मतलब एक कंडीशन ट्रू होने पे एक कंडीशन फॉल्स होने पे। क्या सर, तो ट्रू पार्ट तो दे दी मैंने यहाँ पे, तो फॉल्स पार्ट में तो यहाँ पे कोई फॉल्स पार्ट का है ही नहीं मेरे पास, लेकिन यहाँ जीरो डाल देते हैं, नथिंग इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। डाउट है इसमें, एक बार और देख लो, समझ लो, तो डाउट हो तो मैं आगे बढ़े, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि हमें पास और फेल देना है, हमें क्या देना है, पास और फेल। कंडीशन क्या है इसमें, कि अगर मार्क्स अगर ग्रेटर देन 40 होता है तो पास करना बना फेल करना है। यहाँ पे सेम लगेगा, इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 40 है तो क्या करना है, पास करना है, नहीं तो क्या करना है, फेल करना, ठीक है। इसमें दोनों कंडीशन थे तो हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हम दोनों कंडीशन यहां से लगा दिए, और यहां पे इक्वल टू था इसलिए इक्वल टू लगा दिया। क्लियर है, कोई डाउट इसमें। तीसरा कंडीशन यहां पे, कि इफ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 200 तो एरिया इज एसटीडी अदरवाइज लोकल। अगर डिस्टेंस है हमारे यहाँ पे लोकेशन है और यहाँ पे टर्निंग पॉइंट से डिस्टेंस है, तो क्या है ना कि मान लीजिए कि आप आपके जो ड्राइवर है या फिर आपके जो ये है, मान लीजिए कैब है, कैब को आपने ले लिया, तो लोकल को आप पर दिन के हिसाब से चार्ज करने वाले हो और सिटी को आप पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज करने वाले हो, ठीक है ना। तो पहले आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा लोकल है सिटी, तो उसके लिए क्या किया हमने, उसके लिए याद किया कि इक्वल इफ अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 200 तो यहां पे शो होना चाहिए एसटीडी अदरवाइज लोकल, ठीक है। और नीचे तक ड्रैग कीजिए, आपका हो गया विदाउट। नेक्स्ट चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है टैक्स। अब यहां पे क्या है कि किसी प्रोडक्ट की एमआरपी है और मुझे इसका टैक्स कैलकुलेट करना है। कंडीशन यह है कि 500 से ऊपर, कंडीशन यह है कि अगर 500 से ऊपर आपका एमआरपी है तो हम 12% टैक्स लेंगे, 500 से नीचे है तो 5% लेंगे, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट लेना है मुझे, टैक्स अमाउंट शो करना है। तो कंडीशन यह है कि इफ अगर ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 500 तो क्या हो जाए, इस एमआरपी का 12%। ठीक है, अदरवाइज इसका 5%, ठीक है, क्लियर है। और यहां पे क्या है,
टाइम दिया गया है, ठीक है। बोलता है अगर टाइम अगर 10 बजे रात से ज्यादा है तो यहाँ पे ओवर टाइम किया जाएगा, नहीं तो एंटी मतलब नॉर्मल टाइम को करना है। बट प्रॉब्लम ये है, हेलो, तो आगे बढ़े, तो मैं इस पर डिस्कस कर रहा था। तो कॉलम क्या है कि हम यहाँ पे इफ यहाँ पे 10 बजे लिखे कैसे, आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हो कि ग्रेटर देन 10, इस तरह से नहीं लिख सकते। इसका दो सोल्यूशन है, एक तो आप इसको सेलेक्ट कर लो, देन कॉमा यहाँ पे डाल लो, ओटी नहीं तो एनसी, ठीक है। अब नीचे ड्रैग करने से पहले C1 को फ्रीज कर दो, या दूसरा तरीका है तो आपके आई क्लास में बताएगा टाइम फॉर्मूले के साथ, ठीक है। C को फ्रीज कर दिया ना, डॉलर लगा दिया ना, ताकि वो अब C1 B1 नहीं हुआ ना, 2 नहीं हुआ ना, 3 नहीं हुआ ना, अगर डॉलर लगा तो नीचे ड्रैग करते में इसका इंक्रीज हो जाता, ताकि देखिए बाकी चीज इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। डाउट इसमें, अगर दूसरा तरीका अगर बात करें तो इसके लिए यहाँ पे अगर हमारे मैनुअल लिखना चाहते हो तो इसको आपको टाइम फॉर्मूले में लिखना पड़ेगा, टाइम 10 बजे 10 में लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 22, ठीक है, इस तरीके क्लियर है। अब C6 में आते हैं, अब इसमें हमारे पास अब बारी आती है आपकी परफेक्ट अलग तरीके की। अब यहां पे कंडीशन ये आ रहा है कि S2 से S5 तक 33 से रिजल्ट ज्यादा होना चाहिए तो पास बनना फेल, मतलब कि हर सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट है हमारे 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में अगर आपके पास ग्रेटर देन 33 हुआ तो पास करना वरना फेल करना है। अब प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास 5 कंडीशन है, लेकिन हम जानते हैं कि इफ जो है एक हम आपके मतलब जो अपना इफ है एक इफ के अंदर हम एक ही कंडीशन आ सकते हैं, यहाँ मुझे 2 काम करने पड़े, या फिर कुछ ऐसा फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा जो जिसे मोर देन 1 कंडीशन डाला जा सके, या फिर इफ के अंदर ही हमें 5 कंडीशन लगाने होंगे। तो हम पहले इफ के अंदर हम डालते हैं, इफ के अंदर इफ हम डाल के देखते हैं, यहाँ पे नेस्टेड इफ की बात होगी। हम बोलेंगे इफ कि अगर भैया ए 33 से बड़ा है, अगर पहली कंडीशन मैच करती है तो दूसरी कंडीशन चेक करो कि ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, ठीक है। कि पहला इफ जो है दूसरे इफ के 2 पार्ट में, अगर एक कंडीशन ट्रू होगा तभी ये चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। सेम थिंग कि इफ दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33, सेम बात है कि अगर ए चला तो ए चलेगा, ए चला तो ए चलेगा, अगर ए नहीं चला ए कोई नहीं चलेगा, समझ गया। इफ एक सीरी तरह सीरी की तरह हो गया, एंड कंडीशन अगेन इफ इफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो यहां पे आ जाए सेम पास, नहीं तो सेम। अब यहां बताइए कि बंदा पास कितने बार कर सकता है, एक बार, फेल कितना बार करेगा, 5 टाइम करेगा ना। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आपका फॉल्स आ गया, क्यों फॉल्स आया कि यहां पे देखिए 30 है, अब 30 में तीसरा इफ, तो पहला दूसरा तीसरा, तीसरे इफ के 2 पार्ट में, फॉल्स पार्ट तो कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे अब एंटर मान लो, जितनी ब्रैकेट दिख रहा है ना, हर ब्रैकेट में आपको कॉमा लगाओ और यहाँ पे लिखो फेल, ठीक है। ये फेल किसके लिए हुआ कि अगर यहाँ पे 33 नहीं हुआ तो फेल दिखाएगा, फिर दूसरा डालोगे यहाँ पे दिख जाएगा कि इसके लिए। तो हर इसके 2 पार्ट डालने हैं ना, मैं एक पार्ट तो डाल दी, दूसरा पार्ट यहाँ पे डालना है, कॉमा डाल दी, ठीक है।
है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगा? हाँ चलिए इसका सिंपल तरीका ये बताता है, हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड का। एंड फॉर्मूला क्या करता कि इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 कॉमा, एक साथ हम कई सारे कंडीशन दे सकते हैं बिना इफ की मदद, बिना इफ लगाए, ठीक है। हो इक्वल टू नहीं डाला हमने, इक्वल टू डाल दो, ठीक है। इस रिजल्ट क्या देगा कि अगर सारे रिजल्ट सही हुए तो ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। अब मैं इफ में क्या कर सकूंगा कि इफ को बोलूंगा कि भैया ये अगर ट्रू है तो यहाँ पे क्या करो, पास, नहीं तो फेल। ठीक है, पास नहीं तो। तो इसमें क्या हुआ कि ए इतना लंबा फॉर्मूला हुआ, अगर दोनों के साथ मर्ज करना चाहते हो तो इसको कॉपी करो और इसको पेस्ट कर दो, इस टू से कट करके यहाँ पे डालो, ठीक है। आपके अब आपकी चॉइस है कि आप इसको करना चाहते हो या इसको करना चाहते हो, डाउट इसमें एंड समझ में आया, आ गया एंड समझ में, तो आगे बढ़ते हैं इसमें। अब यहाँ पे आता है ग्रेडिंग सिस्टम, सेम ऐसा ही है ग्रेडिंग सिस्टम, कि अगर 1 से 40 हुआ तो डी देना है, सी डी ए ए प्लस। तो इसमें भी हम घटते बढ़ते क्रम में चलेंगे, यहाँ लिखेंगे कि इफ अगर हमारा मार्क्स इज लेस देन इक्वल टू 40 है तो क्या करो, यहाँ पे डी दिखा दो और बाहर निकल जाओ, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हुआ देन सेकेंड कंडीशन चेक करो कि क्या ए लेस देन इक्वल टू 60 है, ऐसा हुआ तो क्या करो, सी शो करो और बाहर आ जाओ, नहीं ऐसा नहीं है तो अगेन चेक करो इफ ए लेस देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 75, ऐसा है क्या, बी दो, नहीं है तो अगली कंडीशन चेक करो, लेस देन इक्वल टू 95 है तो यहाँ पे ए दो, अदरवाइज ए प्लस टू। लास्ट में पता ही है ना कि 95 से बड़ा ही आएगा, अगर कंडीशन लगा दो तो कंडीशन लगा दो। अब इसमें क्या है कि इसमें आपके हर किसी नंबर के लिए कुछ ना कुछ था, इसमें हमने फॉल्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हर का ट्रू पार्ट फॉल्स पार्ट दोनों है। कि सबसे पहले है कि ट्रू पार्ट है डी शो करना है, फॉल्स पार्ट क्या है दूसरी कंडीशन, तो दूसरी कंडीशन ट्रू पार्ट फॉल्स पार्ट, टू पार्ट फॉल्स पार्ट, ठीक है। तो ग्रेडिंग सिस्टम समझ में आ गया आपको, ओके। तो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें इंसेंटिव देना है मुझे, इसमें इंसेंटिव देना है कि अगर सेल अगर ए हुआ तो इंसेंटिव मेरा कुछ ए हो जाए, ठीक है। कि 0 से 40 से 500 सेम से, जो आपने यहां लगाया ना सेम है, बस ग्रेडिंग की जगह पैसे देने, सिंपल। इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 40 हुआ तो 500, इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 80 हुआ तो 1500, 1000 मान लो, 1000 आई थिंक 1000 मैन। इफ अगर ए लेस देन इक्वल टू 100 हुआ तो 2000, अगर इफ अगर ए ग्रेटर देन कितना 100 हुआ तो क्या हो जाए 5000, आ गया। बट इसमें कुछ डाउट,
क्या हम बता रहा हूँ ना यहाँ पे, ये इसकी बात कर रहे हो आप? यहाँ पे क्लोज कर दिया आपको, कभी जरूरत नहीं है, और क्या कर देगा एंटर मारते ही, ठीक है क्या आपके इंसेंटिव निकल गए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन दिया हुआ है कि इसमें एक और एड ऑन इंसेंटिव है कि 85 से 95 तक हुआ तो 800 देना है। विच मीन अभी क्या है कि यहाँ पे हर किसी नंबर के लिए कुछ ना कुछ है, बट यहाँ पे एक सिलेक्टेड नंबर के लिए, एक सिलेक्टेड सीरीज के लिए है। तो यहाँ पे हम इफ के साथ एंड यूज करेंगे, इफ एंड, क्योंकि बिटवीन है हमारा, तो एंड यूज करेंगे कि अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू 85 है और ए लेस देन इक्वल टू 95 है, ऐसा है तो यहाँ पे 800 को करो वरना 0 से करो, ठीक है। कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ डाल के देख ले हम 87 आ गया, क्लियर है इंसेंटिव। देन नौवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन में क्या है कि मेरे पास अब इसमें दो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन देखते हैं कि मुझे यहाँ पे स्टेटस ओके करना है। कंडीशन ये है कि इन सबों के में किसी एक में वाई होना चाहिए, वाईडी प्रूफ में कोई एक डॉक्यूमेंट, एनी वन या मोर देन वन, एक हो या एक से ज्यादा, क्या? तो यहां पे करेंगे इफ, नहीं इफ भी लगा सकते थे, इफ कि दैट इक्वल टू आपका वाई, ऐसा हुआ तो यहीं पे आप ओके दिखाओ, बाहर निकल जाओ, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें एक भी मिल गया तो हमें इसके ओके कर देना है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो यहां पे दूसरा कंडीशन चेक करो, ठीक है। देन इफ यहां पे ओके, देन इफ ग्रेटर देन इक्वल टू, इक्वल टू आई, देन इफ ए इक्वल टू ओके, नहीं तो पेंडिंग, और यहां पे आप छोड़ दिए हो एक एक लाइन, ठीक है। ये सुना है, लेकिन इसका एक और तरीका है, सिंपल तरीका, जैसे एन लगाया था ना, ऐसे हमारे पास और का फॉर्मूला होता है। एन में क्या होता है कि सारे कंडीशन ट्रू होने चाहिए, लेकिन और क्या कहता है कि भैया कोई एक ही कंडीशन ट्रू कर दो मैं काम कर लूंगा। तो यहां पे मैंने कंडीशन बोला कि दैट इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इक्वल टू वाई कॉमा, दैट इक्वल टू वाई, ठीक है। कौन सा है, हमें एक भी वाई कर दो तो टू आ जाएगा। अब टू पे कंडीशन लगा दो कि इफ ए टू है तो यहां पे ओके, नहीं तो पेंडिंग, डाउट इसका यूज यहां होता है ना, जैसे कि ये आप ये नहीं कि आपको इस तरह यूज करना पड़ेगा। मैं जैसे एग्जांपल कि अगर आपके पास बहुत सारे च्वाइसेज है, उसमें से कोई एक च्वाइस कर ले, उसके बिहार पे आगे रिजल्ट देना है उसके लिए, ठीक है। कई सारी च्वाइसेस हैं, उसमें से एक च्वाइस पे काम करना चाहते हो तो इस केस से एक करते हो। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन ये है कि एटलीस्ट एक पेन कार्ड में आपको वाई होना ही होना है। अब बैंक ने बोला कि भाई मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे दो डॉक्यूमेंट चाहिए, एक पैन कार्ड कंपल्सरी है, बाकी इन तीनों में से कोई एक दे दो। यहां पे एन का भी लॉजिक आ रहा है और का भी लॉजिक आ रहा है। ऐसी कंडीशन होगी कोई सिलेक्टेड तो चाहिए ही चाहिए, अब कुछ में से कुछ कोई भी दे दो। तो उस केस में मैं यहां पे यूज करूंगा एन के साथ और,
एंड हमने बोला है दैट इक्वल टू वाई, ठीक है, और इक्वल टू वाई ठीक है। क्या इसको इफ से नहीं किया जा सकता है, इसको एंड ऑर के मेथड से किया जा सकता है। एक 2013 में फॉर्मूला है एक्स ऑर, एक्स और मतलब क्या है कि आपको दो इनपुट देने, ठीक है ना, इनपुट वन एंड इनपुट टू, मतलब समझो ना कि तुम्हें एक किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, और तुम्हें ट्रांसफर का लोकेशन का दो ऑप्शन दिया है, दोनों में से कोई एक चूजना है, दोनों में से कोई एक चूज करना है मुझे। आप दोनों चूज नहीं कर सकते, दोनों छोड़ नहीं सकते। आपने चूज कर लिया उसका स्टेटस यहां पे देना है, ठीक है, मतलब कि यहां पे ट्रांसफर में आपको बुलाया गया कि मुंबई, आपको दो लोकेशन दिया गया है दिल्ली, दिल्ली में जाना चाहते हो या फिर आप मुंबई जाना चाहते हो, आपको ट्रांसफर किया गया है, तो वहां पे आपको वाई करना है, ठीक है। आप दोनों में वाई नहीं रख सकते, दोनों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है, दोनों केस में यहां पे क्या आना चाहिए, स्टेटस ओके तभी आना चाहिए, स्टेटस ओके कर लो, यहां पे चूज लिख दो, चूज करना चाहिए जब आप कोई एक करो तो। अब प्रॉब्लम है कि आप इसमें से इसको भी कर सकते हो या फिर इसको भी कर सकते हो, और आपने इसको कर लिया तो इसको नहीं करना है, तो नॉर्मल कंडीशन में तो मुश्किल लग रहा है, इसीलिए यहां पे एक्स और बना हुआ है, एक्स और दैट इक्वल टू वाई कॉमा दैट इक्वल टू वाई, कंडीशन दे दो आप, ठीक है, पॉज आया, अब मैं एक वाई चूज कर लू टू आ गया, तो दोनों चूज कर लू पॉज आया, दोनों चूज ना करो तो फॉल्स आएगा, अगर मान लो दिल्ली चूज कर लेता हो तो टू आ जाएगा, क्लियर है, डाउट इसमें। तो आपको इस फॉर्मूले के सारे लॉजिक मैंने आपको समझा दिए। एक हमारे आपके पास होता है इफ एरर का फॉर्मूला, इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है पता है, आपके फॉर्मूले में एरर तो आते, जैसे यहां देखिए कि मैं इसको डिवाइड कर रहा हूं तो नंबर आ जाता है, लेकिन कभी कभी एरर आता है, एरर आ रहा है अपने हिसाब से पक्का आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एरर की जगह पे कोई मैसेज आए या ब्लैंक आए, कुछ और देना चाहते, जीरो देना चाहते, जीरो है क्या मुझे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इस एरर के अंदर में डाल देंगे, इस एरर तो कॉमा जीरो जो भी डालना चाहते डाल दो, अगर रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट दिखा देगा, मतलब कि दो पार्ट हो गए, ए जीरो का पार्ट हो गया, एक इसका पार्ट हो गया, अगर ये पार्ट काम करता है तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो दिखा देगा, नहीं तो आपका ये पार्ट दिखा देगा। ये इस एरर 2007 ऑनवर्ड आया है, उससे पहले हमें इसको अलग मेथड से काम करना होता था, ठीक। हेलो,
तो एन लगा दो ना, एन डी मतलब कहाँ चलेगा। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमें दूसरा स्टेप, दूसरा कंडीशन लेना होता है। दिया ना, हमारे पास फॉर्मूला होता है इज एरर। इज एरर क्या करता है कि अगर ये एरर हुआ तो ट्रू देगा, बंदा फॉल्स देगा। ठीक है, तो इसमें हम ये करते हैं यहाँ पे, सॉरी, इफ अगर ए एरर हुआ तो जीरो, नहीं तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आएगा। ठीक है, बाद में जहां जाए फॉर्मूला डालना है वो डाल दो फॉर्मूला वहां पे, कभी देख करके यहाँ पे I14 पे डालना है डाल दिया हमने। इसको कहाँ कहाँ डालना है, ये आपका I3, जहां जहां I3 है वहां पे इसका। ठीक है, तो एक कंसेप्ट आपका ए है जो इसको यूज कर सकते हो, एक आपका उससे इसको यूज कर सकते। नाउ हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है, मुझे इंसेंटिव निकालना है स्लैब बाय, बट ये मैं खुद नहीं करूंगा, दिस इज योर फॉर योर। हमें क्या है कि हमने अभी फर्दर पहले इंसेंटिव दिया है ना, लेकिन क्या है कि 1 से 40 किया तो स्लैब में 500 दे दे रहा हूं, लेकिन यहां पे मैं चेंज कर दिया कि 20 रुपये पर यूनिट दूंगा। मतलब कि आपने 35 सेल की, सेल 35 क्वांटिटी सेल की है तो 35 × 20। अगर आपने 45 सेल किया है तो 40 तक हमें 20 पीस है, इसलिए 40 तक आपको हम 22 पीस के हिसाब से देंगे, बाकी जो बचेगा उसको हम 60 के हिसाब से देंगे। जो हमारा बिजली का मीटर या फिर आपका इनकम टैक्स का स्लैब होता है ना, उसी के आधार पे बना हुआ है। तो कंडीशन तो सारे सेम लगेंगे, तो इससे पहले वाले एग्जाम्पल में लगे, बस रिजल्ट आपको खुद कैलकुलेट करना है, और इस रिजल्ट कैलकुलेशन में आपकी मदद करेगी मैथमेटिकल कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। ठीक है, क्लियर है। हमेशा इंसेंटिव शो करना है इस स्लैब के मुताबिक, और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ कि कौन सा नंबर आएगा तो क्या शो करेगा किस कैलकुलेशन से। 35 मान लो कि 35 यहाँ पे 35 हुआ तो फॉर्मूला क्या करेगा कि चेक करेगा कि क्या 40 से नीचे है, तो 40 से नीचे है तो 35 को मल्टीप्लाई कर देगा 20 से। ठीक है, अगर 45 है तो चेक करेगा 45 है, तो क्या करेगा कि 45 को 20 से मल्टीप्लाई करेगा, बाकी जो 5 बच रहा है क्योंकि तो इससे 2 स्लैब आ रहा है ना 45 में, एक 40 का स्लैब है और एक आपका 80 का स्लैब है, तो 40 का जितना आएगा उतना दे देगा और जो बचेगा वो 80 का। ऐसे सेम 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 अस्सी आएगा ना, 41 से 80 तक 60 हो गया ना, क्लियर है। ये आपको खुद करने, और दूसरा जो 2013 का जो हमारा एक्स और का फॉर्मूला है ना, तो ये आपका क्वेश्चन 2 है आपके पास, एक्स और फॉर्मूला, एक्स और एक्स और फॉर्मूला अप्लाई इन 2007। मैं एक्स और फॉर्मूला है नहीं यहां पे, उसके जैसा कंडीशन तैयार करना है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूले समझ में आएंगे, क्योंकि तो फॉर्मूले सीखने से ज्यादा उसकी प्रैक्टिस में